नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीएनएन में। मैं हूं डॉक्टर राकेश पाठक। खास बातचीत में हमारे साथ एक आज अंतर्राष्ट्रीय विद्वान उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु धर्मायासा। प्रोफेसर प्रभु इंडोनेशिया के रहने वाले हैं, मूलतः बाली में उनका जन्म हुआ और वे हिंदी के और हिंदू धर्म के प्रकांड विद्वान हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान नई दिल्ली से डिप्लोमा और स्नातक उपाधि संस्कृत में करने के बाद वे लगातार हिंदी और हिंदू धर्म की अध्ययन में लगे रहे और इस वक्त वे करीब करीब 30 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें जिनके विषय हैं अहिंसा, धर्म, भगवद गीता, हितोपदेश, पंचतंत्र, चाणक्य नीति आदि आदि। प्रोफेसर प्रभु धर्मायासा का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है भगवद गीता का इंडोनेशियाई भाषा में अनुवाद, जो सारी दुनिया में सराहा जाता है। 1 मिलियन भगवद गीता आंदोलन का प्रारंभ आपके द्वारा ही किया गया है। 1980 से अब तक लगभग 500 से अधिक शोध पत्र डॉक्टर प्रभु धर्मायासा के प्रकाशित हो चुके हैं। आपको भारत सरकार द्वारा विश्व हिंदी सम्मान से भी पुरस्कृत किया जा चुका है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है डीएनएन में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपको हिंदू धर्म और ख़ासतौर से भगवद गीता ने कब प्रभावित किया? वैसे मैंने हमारे बुजुर्गों से वहाँ हमारे देश में जो ताल पत्र में लिखा हुआ ग्रंथ जी जो उसमें मास्टर तो उन लोगों के पास में जाके सीखता था। उसमें तब पता चला उसमें गीता भी है हमारी पुरानी भाषा में। जी वैसे तो यहाँ की गीता तो शुरू से जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था जब हमारे शास्त्र में भी था भाई भी है जी तो उसमें मेरा मन और लग गया। फिर मैंने देखा बच्चों को ज़रूरत है इसके गीता का, क्योंकि बच्चे लोग हमारे भविष्य है। तो आपने तो भगवत गीता मूलतः संस्कृत में ही पढ़ी होगी पहले? संस्कृत पहले इंडोनेशिया में था, जब मैं अच्छा इंडोनेशिया में था जी कुछ अनुवाद केवल इंडोनेशिया भाषा में था बिना संस्कृत, बाद में संस्कृत के साथ। अच्छा और जब मैंने अनुवाद किया ज़्यादातर मैंने संस्कृत और हिंदी सहारा लेके जी। अनुवाद किया। तो अभी इंडोनेशिया में वहाँ पर स्कूलों में या कॉलेजों में पाठ्यक्रम में कहीं शामिल है भगवद गीता या बाकी नहीं हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं, हमारी जो परंपरागत शास्त्र हैं, वे कहीं शामिल हैं उसमें? पहले ये जानकारी आपको बता रहा हूँ कि हमारे वहाँ बिल्कुल जो धर्म ग्रंथ से बच्चे लोग वंचित था, ये देखे मुझे बहुत दुख हुआ। इसलिए मैंने सब काम वगैरह सब छोड़ के इसमें लग गया, अनुवाद किया, फिर बच्चों को सिखाया कैसे उसको पाठ करना, जी गायन करना। तो अब बच्चे लोग जैसे उदाहरण 6 साल की उम्र में रट लेते हैं, अच्छा 100 से ज़्यादा जी रट लेते हैं पढ़े बिना। जी तो ऐसे प्रगति नहीं, वहाँ होगी वहाँ पाठ्यक्रम में उनके कोर्स वगैरह में शामिल किया है। यही मैं आपको बता रहा था। जी पहले ऐसा था जो बिल्कुल वंचित था और हमने धीरे धीरे लिखा समझाया, फिर अब कुछ स्कूलों में लगाता है और अच्छा कॉलेज में अभी अभी हमने सुना वो पाठ्यक्रम में शामिल हो गया। तो अच्छा धीरे धीरे ऐसे प्रगति हुआ। हमारा हमारे भारत का और इंडोनेशिया का रिश्ता तो सदियों पुराना है, सहस्त्राब्दियों पुराना है। राम कथाएं वहाँ पर होती हैं, जी जी रामलीलाएं वहाँ पर होती जी हैं। जी अब क्या स्थिति है वहाँ? रामलीला अभी भी होती है वहाँ पर? हाँ जी रोज आप देख सकते हैं शाम को। अच्छा हाँ जी बाली में तो गली गली में राम सीता नाम है, रेस्टोरेंट का नाम, होटल का नाम, जी गली का नाम विभीषण गली है, राम गली है, अच्छा ऐसे। तो मंदिर में भी जो झंडा है उसमें अंकित है पूरा रामायण का दीवार, मंदिर का दीवार पूरा रामायण अंकित है। और एक हमारे शास्त्रीय तरीके से लोग जो अध्ययन करते हैं वो यहाँ मिलता नहीं। माने जो इंडोनेशिया में शास्त्रीय तरीके से अध्ययन है, रामायण रामायण अध्ययन और करते हैं अच्छा वो मिलता भारत में नहीं नहीं मिलता यहाँ। आपको? हाँ जी
तो ऐसा ऐसा किस केस क्यों लगा आपको, कैसे लगा? कि वहाँ हम रामायण को पढ़ नहीं सकते हैं फूल वगैरह और पूजा किए बिना। अच्छा, यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट रीड, आप रिसाइट नहीं कर सकते। पहले पूजा करते हैं, सामने रखते हैं और वो ढंग से बनाते हैं, बहुत सुंदर, उसको चानांग कहते हैं। तो आप तब बात शुरू करते हैं रामायण में से खास तौर से, और फिर महाभारत भी मैं पूछूंगा क्योंकि आप तो दोनों में पारंगत हैं। किस पात्र ने ज्यादा आपको प्रभावित किया है रामायण में से, और फिर मैं महाभारत में उसमें जो कर्म की थ्योरी है उस पर मैं आपसे। बचपन में जब मैं स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया था, मैं चित्र बनाता था हनुमान जी। अच्छा है, सुंदर बनाया था बच्चे के उम्र के अनुसार। वो उसमें मैं मेडिटेशन कह सकते थे, हनुमान जी पर मेडिटेशन करता था, तो वही पात्र। राम जी से ज्यादा हनुमान जी से प्रभावित हैं आप? क्योंकि भक्त जो हनुमान जैसे भक्त है, राम से इम्पोर्टेंट है। एक, एक, एक बहुत ही अभी सामयिक एक सवाल पैदा हो रहा है कि हमारे यहाँ देश में, भारत में, हनुमान जी को लेकर आपने सुना होगा अगर आप इस समय लगातार यहाँ हैं, तमाम राजनीतिक दल इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई उनकी कास्ट बता रहा है, कोई उन हनुमान जी का रिलीजन बता रहा है। यहाँ तक कह दिया गया कि हनुमान जी मुसलमान थे, किसी ने कह दिया दलित थे, यानी इस तरह की बातें क्या आपको उचित लगती हैं? ऐसे तो आजकल सारी दुनिया में धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पात्र पर लोग अपने संकुचित विद्वता जी उसमें लगाते हैं, ये बिखरते हैं और ये गलत है। गलत है, हाँ, नहीं करना चाहिए। कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जो धर्म ग्रंथ या पवित्र ऐसे पात्र हैं, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए हस्तक्षेप, बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर साहब। राम को लेकर, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को लेकर भारत में एक तरह से उनके पात्र को, उनके नाम को, उनके व्यक्तित्व को राजनीति का एक मुद्दा बना दिया गया है। आप जब इंडोनेशिया से देखते हैं, आप राम भक्त भी हैं, आपने पूरा पारायण किया है रामायण का, आपको कंठस्थ है एक तरह से, तो मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर को लेकर भारत में जो विवाद होते हैं, आप किस तरह नजरिए से देखते हैं इसे? हमारे पूर्वज लोग राम को भी राजनीति में ले जाते थे, इंडोनेशिया में भी। हाँ जी, लेकिन जी उसमें उनकी शिक्षा, राजा या पॉलिटिशियन बनना कैसे करना, उसका रोल एंड रेगुलेशन है जी। राजनेता बनना उसका है लाइन, रामचंद्र जी का चरित्र है, जैसे ट्रेन उसका लाइन है जी, ऐसे ही राम जी पॉलिटिक में लगा के, राजनीति में लगाते, उसमें है कि राम जी का उपदेश विभीषण के ऊपर के लिए उन्होंने बताया अष्टव्रत, हम अपनी भाषा में कहते हैं अष्टव्रत जी। ये कैसे आपको नेता बनना है, आपको सूर्य बनना, पहले सबको सम रूप से प्रकाश देना है। क्या बात जी। उसके बाद जो शांति है सभी को देना, वो आपको चंद्र के रूप में होना चाहिए, इंद्र के रूप में वगैरह वगैरह। आज तो पॉलिटिक में वो है, लेकिन गलत। लेकिन यहाँ यहाँ जिस तरह से रामचंद्र जी के वो नहीं को लेकर उपयोग होता है राजनीति में, वो आपको अच्छा नहीं लगता? व्यक्तिगत से अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लोग जीतने के लिए गए ना, वो तो आग बन के ही करते हैं जो नहीं करना चाहिए था जी। तो रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर राजनीति में उपयोग इस तरह नहीं करना चाहिए था, ऐसा आपका कहना है जी। महाभारत के चरित्रों की अगर हम बात करें, मर्यादा योगिराज कृष्ण, कृष्ण की जो भूमिका है आपने राजकाज चलाने के तरीके में, रामचंद्र जी की नीतियों, कहा कि वो एक रेल की पटरी की तरह एक आदर्श है कि उस तरह उनकी नीतियों पर चलकर राज किया जा सकता है। कृष्ण की लीला अलग है, कृष्ण का कर्मयोग अलग है, आपने भगवद गीता का अनुवाद किया है अपने इंडोनेशिया की भाषा में। जब भगवद गीता का आपने पारायण किया तो कृष्ण के चरित्र को किस तरह आत्मसात किया आपने?
उनका हमेशा कारण होता है जी, जैसे तैसे, यथा तथा, जैसे लोग करते हैं वैसे करते, लेकिन रामचंद्र जी तो उनका मर्यादा है जी, वो आदर्श है, आदर्श और ये व्यवहार है जी। हाँ, फिर भी कृष्ण नीति में ऐसी कौन सी बात है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है कि हमारे समाज को, हमारी राजनीति को, हमारे सामाजिक ताने बाने को बेहतर बनाने काम आ सकती है? ये क्योंकि श्री कृष्ण जी ने शुरू किया कलयुग के शुरुआत का है, तो एक भविष्यवाणी कहिएगा जो जो भविष्य में होने वाला, उन्होंने एक स्थापन की पॉलिटिक, जैसे तैसे पॉलिटिक जो करते हैं ऐसे ही करें जी, लेकिन उसमें भी मर्यादा है, ज्यादा नहीं करना। एक टप्पर आपको देता है, आप 10 टप्पर नहीं देना, मतलब उनका भी मर्यादा है, लेकिन यथा तथा जी, यथा तथा। आप भारत में वर्षों से लगातार आ रहे हैं, बहुत आपने पूरे देश का भ्रमण किया है, बहुत सारी जगह गए हैं, शिक्षण संस्थानों में भी आप जाते हैं, आपकी दृष्टि में हमारे भारतीय समाज के ताने बाने में कौन सी चीज़ है जो आपको प्रभावित करती है, चाहे वो परिवार इकाई हो या और जो सामाजिक विकास हुआ है अभी तक, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ठीक नहीं हो रही हमारे समाज में? मैं ज़्यादातर, क्षमा कीजिएगा, ज़्यादातर जो नेगेटिविटी है मैं देखता नहीं जी, अच्छाई देखता हूँ। अच्छाई क्या दिखती है हमारे समाज में आपको? अच्छाई यहाँ तो लोग दिल से सहायता करते हैं, कुछ भी करते हैं दिल से जी, वो मुझ पर प्रभावित, मेरे मन को, मेरे दिल को खींचता है जी। बहुत ऐसे ऐसे मुझे मिला जो जानते भी नहीं, एक बार मिलते हैं सब कुछ करते हैं, सहायता करते हैं जी। जो मेरा पासपोर्ट खो गया, पैसे खो गया, एक हफ्ता लगभग में हरिद्वार में सुबह केवल गंगा जल पीता था, पैसे नहीं था जी, और 50 रुपये दोपहर देखे, जहाँ क्षमा कीजिएगा भिखारी लोग खाते हैं, रिक्शे लोग खाते हैं, गंदगी वगैरह, उधर में 50 पैसे देखे एक छोटे से प्लेट में चावल और पानी दाल हम कहते हैं जी, वो खाते थे, वो मैं देखता नहीं, वो मेरा जैसे पवित्रकरण होता है, इसलिए मैं नेगेटिविटी देखता नहीं, अच्छाई देखता। ये बहुत अच्छी बात है, भारतीय समाज में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। डॉक्टर प्रभु से हमारी बातचीत अभी जारी है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, ये चर्चा भी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया से पधारे संस्कृत और हिंदी विद्वान डॉक्टर प्रभु से। डॉक्टर साहब, आपने संस्कृत में इतना काम किया है, संस्कृत भाषा भारत में अनादिकाल से, प्राचीन काल से, युगों युगों से चली आई, लेकिन अब धीरे धीरे संस्कृत भाषा हाशिए पर है, अगर यूँ कहा जाए। आपको क्या लगता है कि इस वक्त अंग्रेजी का दौर है दुनिया में, अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय संपर्क भाषा कहा जाता है, तो संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए वहाँ आप क्या कर रहे हैं और यहाँ भारत में क्या होना चाहिए? भारत में तो अभी शुरू हो रहा है जी, धूमधाम प्रचार है संस्कृत का। इंडोनेशिया में क्या स्थिति है आप संस्कृत भाषा की? पहले शुरू में जब मैं यहाँ आता था, शुरू में लोगों ने पूछा यहाँ क्यों आते हो, मैंने कहा संस्कृत सीखने के लोग, और संस्कृत, मुझे आश्चर्य हुआ जी, भारतीय लोग मुझे से ऐसे पूछते। तो वहाँ इंडोनेशिया विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही संस्कृत? मैं एक वहाँ 12वीं 10वीं क्लास, 11वीं 12वीं हायर सेकेंडरी स्कूल वहाँ से शुरू सीखा संस्कृत, तो सिखाते हैं संस्कृत, और
अभी पिछले हफ्ता है जी मुझे जानकारी मिली कि एक हमारे दोस्त है वहाँ टेलीविजन मालिक, उन्होंने MOU साइन किया जी एक संगठन के साथ। संस्कृत अभी शुरू होने वाला है कहना समाचार प्रसारण संस्कृत में, अच्छा उतना तक प्रगति है। चलिए बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आप 1 मिलियन भगवत गीता आंदोलन के भी प्रणेता हैं, आप ही ने शुरू किया है। हमारे दर्शकों को आप बताइए थोड़ा सा कि ये 1 मिलियन भगवत गीता आंदोलन क्या है, क्या इसका स्वरूप क्या है, क्या चाहते हैं आप इस आंदोलन के जरिए? एक लोगों को अंधकार में लाइट देना है, उतना ही उनके हाथ में पकड़ कर जी टॉर्च, भगवत गीता एक टॉर्च है, टॉर्च है। तो 1 मिलियन आपको बांटना है, वितरित करना है, क्या है इस आंदोलन ये का? मैंने शुरू किया 2012 से, जो 2.5 साल के बाद बेस्टसेलर हुआ, फिर 6 साल के अंदर वो 70th edition में आ गया जी। और तब मैंने डिसाइड किया कि अभी 1 मिलियन उसको बांटना है। अभी तक कितनी बांट चुके हैं आप? शायद ये जो 1 मिलियन वाला है 50,000 हो गया। कब तक लक्ष्य पूरा करेंगे? जब तक हमारे कोई टारगेट रखा है कितने सालों में 1 मिलियन करना? नहीं नहीं चलाते रहना है। हाँ जी, क्योंकि हम विश्वास करते हैं सेवा करने में जी, या कहिएगा करने में, हम विश्वास करते हैं उसमें, क्योंकि करने वाला कुछ और है जी, हम केवल ऐसे ही। आपने अहिंसा पर भी बहुत काम किया है, आपके बहुत प्रिय विषयों में से अहिंसा जी जी। और इस समय पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में हिंसा का बोलबाला है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, माओवाद है, नक्सलवाद है, दूसरे देशों में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, तालिबान है। अहिंसा के संदेश की आज जितनी जरूरत है इतनी शायद उससे पहले कभी ना रही हो। तो अहिंसा का जो सिद्धांत है उसके पीछे, आपके प्रभावित होने के पीछे क्या गांधी का योगदान है या कोई और आपका प्रेरक? क्योंकि बहुत पढ़ा जी, मुझे याद नहीं कहाँ से, लेकिन जो प्रवृत्ति है बचपन से ही जी। और मेरे पिताजी ने कहा दूसरों को दुख न पहुंचाना, अगर विवाद हो, उन्हें ये उनकी बात मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर विवाद हो तुम सही भी हो तुम ही क्षमा कहो, मांगो क्षमा, सही भी हो तो दूसरों को दुख पहुंचाना ये एक बीमारी है जी, खासकर ज़्यादा और करना, उसको नष्ट करना ये महापाप है ना। हमारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि लोग इस सब ग्रंथ केवल इसमें है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, इतना बड़ा ग्रंथ है जी, कितने अलमारिया ग्रंथ है, उसका सार केवल दो है, व्यास जी का वचन केवल द्वयम दो है जी, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, दूसरों को कुछ भलाई करना या दूसरों को दुख न पहुंचाना। इंडोनेशिया में जो नागर समाज है, जो वहाँ की नागरीय संरचना है, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं, ये तो क्या अंतर पाते हैं भारत और वहाँ की जो नागर सभ्यता या संरचना है? ये है बाली की विशेषता है जो अन्य जगह में है नहीं, मैं गर्व से कह सकता हूँ, दूसरों को अब क्या करें जैसे नीचे दिखाना ऐसे नहीं, मतलब बाली है भारतवर्ष का पाठ था जी, जो भारतवर्ष कहलाते थे उसमें आठ महाद्वीप था जी, और आठ उपमहाद्वीप था जी, उपमहाद्वीप में से दो उपमहाद्वीप इंडोनेशिया का था जी, वो भारत का अंश है। तो बाली का विशेषताएं है कि आप बस नहीं सकते हैं, घर नहीं बना सकते हैं, एनी बिल्डिंग यू कैन नॉट बिल्ड, आपको कुछ पहले करना है
भूमि पर पूजन करना और भूमि पर पंच धातु लगाना। पंच धातु ये भूमि का जैसे आप नया मोबाइल खरीदते हैं, लगाते हैं नया सिम कार्ड, उसमें आप फोन नहीं कर सकते एक्टिवेट किए बिना। तो ये जो पंच धातु है भूमि का ताकत एक्टिवेट करना है, तो हर घर में हर मंदिर में ये लगाते हैं, पूजा करते हैं, भूमि अलग हो गया पावरफुल। और अब नगर संरचना जैसे कहते हैं, वो हर गांव में तीन मूर्ति का स्थापन है, स्थापना है। कौन कौन सी तीन मूर्ति? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी। हर गांव में अनिवार्य है तीन मंदिर है, ब्रह्मा जी के लिए मंदिर है, ये है नगर संरचना है। उसमें बारी चौराई में, मेन चौराई में राजा का पैलेस है जी। और कम्युनिटी हॉल है, और बगल में ब्रह्मा जी का बड़ा मंदिर है जी। और उसके बाद मार्केट है जी। और आपको कैसे घर बनाना, उसमें नियम है, हमारी पुरानी शास्त्र है, उसी के अनुरूप बना, उसके अनुरूप है। कहाँ बाथरूम है, कहाँ मंदिर, तो अनिवार्य है हर घर में मंदिर अनिवार्य है। चलिए डॉक्टर साहब, आप हमारे देश में हैं, भारत में है, आपकी भी भूमि है, और इंडोनेशिया और भारत का रिश्ता सदियों पुराना, सहस्त्राब्दियों पुराना है। जैसा कि आपने कहा कि बाली और दूसरा महाद्वीप भी हमारे ही हिस्से भारतवर्ष के रहे हैं, एक अंतिम संदेश आपके जरिए हम चाहते हैं कि आप भारत के लोगों को कोई और संदेश देना चाहते हो संक्षेप में? ये है, भारत में डायमंड है, मोतियां है, लेकिन हम भूल जाते हैं। एक उसके लिए मैं अपनी कविता के द्वारा ही मैसेज देता हूँ। बहुत अच्छी बात, स्वागत। मेरा कविता, मेरी कविता है, शीर्षक है आश्चर्यो हम। आश्चर्य हम यतः समुद्र से जलम अति महताश्रमेण कूर्दति। हिंदी में भी अनुवाद करते जाइए। ये आश्चर्य की बात है कि लहर कूदता है उसको आकाश को पाने के लिए, जो नामुमकिन है जी। और दूसरा है आश्चर्य हम, मैं आश्चर्य हूँ यतः क्योंकि वायु संसार से ततम ज्ञातुम, संसार का तत्व को पाने के लिए, जानने के लिए अति शीघ्रम धावती, बहुत तेज से दौड़ रहा है, जो नामुमकिन है। तीसरी पंक्ति है आश्चर्य हम, मैं आश्चर्य हूँ यतः महापंडित लंकेश्वर, एक महापंडित है रावण, रावण जी महापंडित, उन्हें जिन्होंने ऋग्वेद पर व्याख्या की, जो कई मुनि ऋषि भी नहीं करते जी, रावण जी ने किया, उतना पांडित्य में उनके में है। और लक्ष्मी जो लंका में है, सोना है, सब उनके पास है, महापंडित लंकेश्वर है। मैथिली स्वरिम प्राप्तम, एक उसमें हम कह गया, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, एक महिला पाने के लिए जी, स्व से संबलम नाशम स्वीकारोति, अपने सब कुछ विनाश स्वीकार करता है। बहुत, बहुत। और अंतिम वाला है आश्चर्य हम, मैं आश्चर्य हूँ यतः क्योंकि जन लोग स्व खाच से खंडम प्राप्तम, एक कांच को टुकड़ा पाने के लिए स्वर्ण से खंडम विस्मरति, स्वर्ण का टुकड़ा भूल जाते हैं। अहो आश्चर्य हम, आश्चर्य हम, ये है मैसेज जो हमारे पास है, गोल्ड डायमंड हम भूल जाते हैं और छोटी चीज में जी है ये मैसेज। तो ये डॉक्टर प्रभु धर्मायासा, इंडोनेशिया के प्रगाढ़ विद्वान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत गीता और रामायण के बहुत ही गहन अध्येता, 1 मिलियन भगवत गीता आंदोलन के प्रणेता, हमसे खास बातचीत कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।